क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना जरूरी है? दोस्तों बात करते हैं टॉपिक रिगार्डिंग इज देयर राइनोप्लास्टी सर्जरी इज नेसेसरी फॉर मी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों बहुत बार मेरे ओपीडी में जब पेशेंट आता है एंड ये कॉमन क्वेश्चन है, सर क्या मुझे जरूरी है ये सर्जरी कराना? सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था, एक सर्जरी है जिससे हमारा नोज को रीशेप एंड रीसाइज किया जाता है, जिसका उद्देश्य है वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज एंड जो हमारा नोज है जो हमारे रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेटल हो। सो अब आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है? दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कैसे डिसाइड करना है कि मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि आपको राइनोप्लास्टी की सर्जरी की जरूरत है? सबसे पहले जब मेरे पेशेंट मेरे ओपीडी में आता है, आई जस्ट आस्क, मैं उसको एक मिरर देके पूछता हूं, व्हाई आर यू अनहैप्पी विद योर नोज? आप अपने नोज से क्यों दुखी हैं? आपको जो है आपके नोज में क्या चेंजेज चाहिए? दोस्तों पेशेंट मेरे को कहता है, सर मेरा नाक तिरछा है, मेरे नाक से सांस भी नहीं आता। एंड बहुत बार पेशेंट कहता है कि मेरा नाक ये यहां से बैठा हुआ है, फ्लैट है। एंड द सेम थिंग व्हेन आई रियलाइज, जो पेशेंट मेरे को प्रॉब्लम बता रहा है एंड वो मुझे भी दिख रहा है, डेफिनेटली यू आर ए राइट कैंडिडेट फॉर द राइनोप्लास्टी सर्जरी। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो आपके पेरेंट्स को भी दिख रही है और जो दूसरे चाहने वाले हैं उनको भी दिख रही है, वो आपके डॉक्टर को भी दिख रही है, देन यू आर ए आइडियल कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड ऐसी कंडीशन में अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं तो दोस्तों आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं एंड आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छा होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, बहुत बार जब ये सेम क्वेश्चन में किसी पेशेंट को पूछता हूं, पेशेंट कहता है, सर मुझे पता नहीं बट मेरे को सुंदर नाक चाहिए। सेकेंड, बहुत बार फीमेल पेशेंट को पूछता हूं, फीमेल पेशेंट अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती हैं कि ये कहते हैं मेरा नाक अच्छा नहीं है। दैट मीन्स यू बोथ कैटेगरी आर ए नॉट गुड पेशेंट फॉर द राइनोप्लास्टी सर्जरी। आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी नहीं कराना चाहिए। राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पूर्व आप यू शुड प्राइमरली मोटिवेटेड, आपको अंदर से लगना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और दोस्तों बहुत बार क्या है, जो आपकी नोज, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनकी नाक टेढ़ी है, उनकी नाक बैठी हुई है, उनकी नाक के टिप में प्रॉब्लम है, बट दे आर हैप्पी, उनको उससे मतलब नहीं है। ऐसे पेशेंट की अगर राइनोप्लास्टी सर्जरी करेंगे तो वो कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए आपको अंदर से लगना चाहिए कि मेरी जो नोज पे जो विकृति है, उस विकृति के कारण मेरे को मेरे फोटोग्राफ सही नहीं आते एंड मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता एंड मेरे को जो ये जो प्रॉब्लम है उसके कारण जो है मेरा जो भगवान ने जो नोज बनाया ब्रीदिंग के रिगार्डिंग उसमें भी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मेरे को साइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम है, मेरे नाक के पीछे इस विकृति के कारण पानी भी आ रहा है क्योंकि गला बार बार खराब होता है। अगर आप इन बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं एंड आपको रियलाइज है तो आपको अपनी राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर दोस्तों, अगर राइनोप्लास्टी सर्जरी के इंडिकेशन की बात करते हैं तो किसी के नोज जो है वो हमारे चेहरे के बीच में नहीं होके डेविटेड है, एक तरफ जा रहा है, जिसको हम डेविटेड नोज बोलते हैं, या आपके नोज के ब्रिज में या तो सी सेप या एस सेप बैंड है, ओके, जिसको हम क्रोकड नोज बोलते हैं, डेविटेड नोज बोल सकते हैं, ये एक इंडिकेशन है। दोस्तों इसके अलावा दूसरा इंडिकेशन है, आपकी नोज का जो ब्रिज है वो फ्लैट है, ये आपका विजिबल नहीं है, सो सेकेंड कैटेगरी होगी। थर्ड है दोस्तों, आपका जो ये नोज का ब्रिज है ये बहुत ज्यादा है, ब्रॉड नोज जिसको बोलते हैं, तो भी आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। फोर्थ दोस्तों, आपका ये जो ब्रिज है ये और ऊपर उठा हुआ है, यानी बहुत बार हमारा नोज यूजुअली हमारी आई में विजिबल नहीं होता, अगर आपका ये बहुत ज्यादा बंप निकला हुआ है और आपकी आईज में विजिबल है, आपकी विजन में विजिबल है, बंप नोज है, तो भी आपका जो है वो ये एक राइनोप्लास्टी सर्जरी का इंडिकेशन है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार आपका जो टिप है वो ट्विस्टेड है, बल्की है, ब्रॉड है, बल्बस है,
एंड आपका जो ये नथुने हैं, नॉस्टिल हैं, बहुत ओवर वाइड है, तो ये क्या है कि इंडिकेशन है जो डिसाइड करते हैं कि आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। बट फाइनली दोस्तों, अगर वो प्रॉब्लम आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं, मेरे को मेरी की नोज की जो ये प्रॉब्लम है उसके कारण डेफिनेटली मेरे को जो है वो मेरे कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम है, मेरे को इससे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम है, मेरे को इससे ब्लीडिंग भी आती है, देन यू आर ए गुड कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड आपको डेफिनेटली अगर ऐसी कंडीशन में सर्जरी आप कराते हैं तो यू आर मोर हैप्पी व्हेन आफ्टर द सर्जरी, आपको आपके ब्लॉकेज से राहत मिलेगी, आपका जो है वो नाक का जो लुक है वो बेटर होगा, एंड व्हेन यू आर ब्लॉकेज फ्री नोज एंड व्हेन यू गुड शेप ऑफ द नोज एंड यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका पावर बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप अच्छा आउटपुट दे पाओगे, आप अच्छी स्टडी कर पाओगे एंड यू शुड एंड यू वुड बी ए सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। सो दोस्तों, देखा आपने कब आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी करानी चाहिए। सो really this is very useful information, you can send, you can share to your family, friends and colleagues, जिससे उनको भी क्या है जो उनके दिमाग में question चल रहा है, bias है उसके लिए वो decide कर सके। and इसके अलावा आपको rhinoplasty surgery की regarding कोई भी आपका question हो दोस्तों, कोई भी query हो, definitely you can put my comment box, definitely I'll reply, thank you।